हेलो गाइस, तो आज मैं तुम्हें ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा कंप्यूटर के कि तुम्हारा कंप्यूटर बोलेगा। तूने ये शॉर्टकट्स कहाँ से सीखे? तो चलो सिखाता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है एक आम इंसान जो अपने कंप्यूटर पर काम करता है, फिर उसने शॉर्टकट सीखे, फिर वो एक सक्सेसफुल आदमी बना और उसने बहुत कुछ किया। फिर उसने एक अपनी कमेटी बनाई जिस कमेटी में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग थे। फिर वो एक सक्सेसफुल आदमी बन गया जो आज हर जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे, हर जगह उसकी एक अलग ही पहचान है। हाँ, तो ये शायद ये ऐसे ही कुछ था कहानी। अगर तुम्हें अब ये सीखना है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखो और बस रॉक इट। सबसे पहले हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत लोगों को नहीं आता है और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा जगहों पे पड़ती है, और कंप्यूटर में बहुत लोगों को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। अब देखो कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहले तुम्हें नीचे विंडो बटन और ऊपर वाले प्रिंट SCR बटन को दबाना है, जो कि मार्क किया हुआ है ऊपर में, ओके। और जब इसे दबाओगे तो एक ब्लिंक सा होगा स्क्रीन पे, जैसा तुमने देखा, और ये फोटो स्टोर होगी वो इस PC में जाना होगा तुम्हें। पिक्चर्स वाले फोल्डर में स्क्रीनशॉट आएगा, उसमें ये स्टोर हो जाएगी एंड फिर तुम इसे क्रॉप भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, जैसे तुम चाहो, ओके। नंबर 2, स्निपिंग। ये वाला विंडो का फीचर तो स्क्रीनशॉट से भी बढ़िया है। तो ये स्क्रीनशॉट से बढ़िया इसलिए है क्योंकि जैसे तुम्हें कहीं पे कोई चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है बट उसे बाद में क्रॉप करना पड़ता है, ये एक लेंदी प्रोसेस है, तो उससे अच्छा ये स्निपिंग टूल है। तुम सर्च करके इसे सर्च बार से निकाल सकते हो, इसमें बहुत सारे मोड्स रहते हैं। अगर तुम न्यू पे क्लिक कर दो तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा एंड फिर वो जो प्लस है उसे ड्रैग करके तुम कुछ भी स्क्रीनशॉट का क्रॉप करके ले सकते हो, एक पर्टिकुलर पार्ट का, जैसे ये मैंने लिया। तो ये तुम्हें इस वाले में इतना समझ नहीं आया, रुको, ये वाला देखो, जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट का हमें लेना है स्क्रीनशॉट, बाद में क्रॉप करने से अच्छा ये पहले क्रॉप कर लो। एंड ये बहुत अच्छा फीचर है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता और ये यूज़ करो भाई, मस्त है। नंबर 3, मिनिमाइज ऑल। तो जो लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं कंप्यूटर पर उनके लिए बेस्ट है। तो इसमें तुम्हें नीचे वाली विंडो की और M बटन को दबाना है, और जब तुम ऐसा करते हो तो ये पूरा सारा का सारा मिनिमाइज हो जाएगा, है ना, बढ़िया। नंबर 4, टास्क बार शॉर्टकट। इसमें तुम्हें विंडो की प्रेस करके रखना है और 1, 2, 3, 4 दबाओगे तो टास्क बार पे जैसे भी जितने भी ऐप्स होंगे वो नंबर वाइज खोलेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा फीचर है जो कि तुम यूज़ कर सकते हो एंड ये बहुत जल्दी काम करता है। तुम कोई काम कर रहे हो और तुम्हें कोई और ऐप खोलना है तो बहुत अच्छे से काम करता है एंड ये अच्छा फीचर है, यूज़ करो। अब वीडियो यहाँ तक देख ही लियो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, कर दो, कर दो। नंबर 5, स्प्लिट स्क्रीन मोड। इसमें तुम्हें सिर्फ विंडो की को दबा के रखना है एंड राइट एंड लेफ्ट एरो को दबाना है और ये स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगा। विंडो की को दबाओ और लेफ्ट एरो दबाओ, ऐसे लेफ्ट साइड हो जाएगा एंड फिर इसे खोल के विंडो की दबाओ एंड राइट एरो दबाओ, और इस तरह तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसे यूट्यूब पे तुम कोई वीडियो देख रहे हो एंड लेफ्ट साइड में तुम काम कर रहे हो, ओके। हाउ टू सी हाउ मेनी एप्स आर ओपन एंड हाउ टू स्विच। पहले कंट्रोल पे दबाओ, फिर अल्ट पे दबाओ, फिर टैब पे दबाओ और फिर देखो क्या होता है। तो इस पर दबाने के बाद तुम्हें ऐसा सा इंटरफेस दिखेगा जिसमें तुम ऐप्स को स्विच भी कर सकते हो एंड स्विच करने के लिए भी एक अलग सा कमांड है, और ये देखने के लिए कि कितने ऐप्स ओपन हैं एंड स्विच करने का कमांड नेक्स्ट। हाउ टू स्विच बिटवीन ऐप्स। पहले नीचे वाले विंडो की को दबाना है, फिर टैब को दबाना है एंड फिर कुछ ऐसा सा इंटरफेस तुम्हें देखने को मिलेगा और इसमें तुम स्विच कर सकते हो ऐप को सिर्फ माउस को हिला के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड गुड बाय। Let roll up to the party, roll up.